नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर मेरा नाम है यश जाट और आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के साजापुर जिले में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे साथ किसान भाई है उन्होंने लहसुन की खेती मल्च के ऊपर कर रखी है अब मल्च के ऊपर लहसुन की खेती करने का क्या फायदा होता है कैसे मल्च के ऊपर लहसुन की खेती की जाती है कितनी इसमें लागत आती है क्या फायदा किसान भाइयों को मिलता है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पूरी ही जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आप अपना जो परिचय है वो हमारे किसान भाइयों को दीजिए नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम अनिल पाटीदार है शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है एमपी में वहाँ से पाँच पंद्रह किलोमीटर दूर पनवाड़ी गांव के हूँ जी तो सर मुझे ये बताइए कि आपने जो है लहसुन की खेती कितने सालों से करते आए हैं लास्ट तीन सालों से मैं लहसुन की खेती कर रहा हूँ तो आप हर बार मल्च पर ही करते हैं या बिना मल्च के भी करते थे लास्ट ईयर किया था मैंने इस साल किया है दो साल हुए मैं उसके पहले मैं प्लेंट में करता था तो सर दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिला जो आपने मल्च लगाया और बहुत सारे खेत में देखा हूँ वहाँ मल्च नहीं लगा हुआ है तो आपको क्या लगा दोनों में सर अंतर तो बहुत ज्यादा है बीमारी भी कम है ग्रोथ भी अच्छा है और फसल को देखने में लग रहा है कि बड़ा स्वस्थ फसल है अभी तक तो जी जी तो चलिए हम देखते हुए चलते हैं और सर मुझे ये बताइए कि आप जो मल्च पर करते हैं तो मल्च पर आपने जो वेरायटी लगा रखी है ये कौन सी लहसुन की वेराइटी है ये जी दो सौ सी है यमुना सफेदा तीन जी अच्छा और जो मल्च आप यूज कर रहे हैं वो कौन सी मल्च आप यूज कर रहे हैं ये अपना ग्रोइट का है ग्रो ग्रो क्वालिटी ग्रो क्वालिटी का जी तो सर मार्केट में और कई सारी मल्च उपलब्ध है लेकिन आपने ये ग्रोविट का ग्रो क्वालिटी का ही मल्च क्यों खरीदा तो ग्रो कंपनी ने हम लोगों को जो सर्विस दी है उससे बड़ा संतुष्ट है हम लोग हम लोगों ने जिस साइज में चाहिए उस साइज में उन्होंने होल लगा के दिए है एक्चुअली क्या लास्ट ईयर हमने जो मल्छी में लसन लगाया था वो मैन्युअली जो होल करने था उससे लगवाया था और अच्छा। मेन्यू होल में हम लोगों को नंबर ऑफ प्लांट बड़े कम आए थे अच्छा। उसका कारण नुकसान देखते हुए हमने ग्रो कंपनी वालों से बात करके उन्होंने हम लोगों को सर्विस के रूप में ये दिया जी जी यहाँ पर किसान भाई बहुत अच्छी बात सर ने बताई है क्योंकि मल्च में लहसुन के प्लांट की जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है ऐसे में कंपनी इनको इनकी जरूरत के हिसाब से मल्च पर होल करके देती है और अगर किसान भाई मैन्युअली होल करता है तो उसे काफी समय लग जाता है काफी परेशानी आ सकती है तो ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई सर आपसे हमें ये जानना चाहूंगा कि अपने मल्च लगाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिले हैं सर फर्स्ट बेनिफिट तो ये रहा कि जब स्वईंग करने के बाद में टोटल फसल एक साथ में बाहर आया फर्स्ट फायदा दूसरा फायदा रहा कि इसकी जो ग्रोथ रहा नॉर्मल से करीबन डेढ़ गुना स्पीड से बढ़ा ये तीसरा बीमारियाँ बड़ी कम लगी इसके अंदर और फर्टिकेशन का बड़ा बचा तो हम लोगों को जो फर्टिकेशन फ्लड में देना पड़ता है उससे कई गुना कम दिया हम लोगों ने इसमें और दवाई के स्प्रे भी बहुत कम हुए और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वीट कंट्रोल का वीट जो खरपतवार नाशक डालते हैं उससे जमीन का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा रहा है तो सर मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर किसान भाई लहसुन की खेती इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो पाँच छह महीने की फसल होती है बारह से तेरह बार सिंचाई करनी होती है तो ऐसे में आप मल्च पर जो सिंचाई करते हैं उसमें कितना प्रतिशत पानी की बचत होती है समथिंग है सेवेंटी परसेंट पानी की बचत होती है इसमें थर्टी परसेंट पानी में अपना काम हो जाएगा यानी कि तीस प्रतिशत पानी में आप लहसुन की खेती कर सकते हैं तो यानी इसका रकबा भी आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, से तीन गुना कर सकते हैं अपन आप आपके पास पानी एक, एक एकड़ का है तो आप तीन एकड़ में मलची में लगा सकते हैं ये बहुत बड़ा फायदा है आज पानी बहुत बचाने की जरूरत है सर मुझे ये भी बताइए कि जब आप बता रहे हैं इस पर के वीट कंट्रोल हुआ दवाइयों का आपका जो है कम यूज हुआ तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कितने प्रतिशत आपकी जो है दवाइयों का स्प्रे से बचे हैं आप समिंग से हमारे पचास परसेंट स्प्रे से कम लगा हम लोगों को और इस साल तो पर्यावरण की ये स्थिति थी के स्प्रे करने के बाद भी रिजल्ट नी के बराबर आ रहे और अपने जितने भी स्प्रे के सबके रिजल्ट बेस्ट रहे यानी कि बहुत कम आपको स्प्रे करने की जरूरत पड़ी सर मैं आगे ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इसमें आपका जो कॉस्ट है लेबर कॉस्ट वो कितना बचा लसुन की खेती में काफी ज्यादा लेबर कॉस्ट आता है लेबर तो बहुत बचा एक तो सिंचाई का लेबर कॉस्ट बच गया अपना सेकंड वीड जो निकालने के लिए आता है खरपतवार को निकालने के लिए जो लगते वो बच गया दूसरा स्प्रे कम लगे तो स्प्रे में लग बच गया बहुत सारे बढ़ गए फर्टिगेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ा ड्रिप से चला जाता है उसमें तो बहुत कम रहा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लेबर खर्च है मल्च पर खेती करने से लहसुन की खेती मल्च पर करने पर लेबर खर्च काफी बचता है फ्लैट इरिगेशन में एक बंदा चाहिए जो आपको 12 से 13 बार सिंचाई करे दूसरा खतपतवार हटाने के लिए बंदे चाहिए क्योंकि तीन से चार बार खतवार लहसुन की फसल के अंदर हटाना होता है तो लेबर खर्च इसमें मोटा मोटा बचता है पानी की बचत होती है साथ ही दवाइयों का खर्च किसान भाइयों को बचता है इसलिए आप लहसुन की खेती मल्च पर करते हैं तो सर आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि लहसुन की खेती मल्च पर करें या ना करें सर मल्च में लहसुन जरूर कीजिए हम लोगों ने क्या फर्स्ट वर्ल्ड ट्रायल किया था तो इसके जो होल है चार बाय चार पे के में और इतने जबरदस्त नंबर ऑफ प्लांट फ्लड से करीबन डेढ़ गुना ज्यादा है तो उससे हम लग रहा है कि प्रोडक्शन डेढ़ गुना या दुना बढ़ने की संभावना है और जब भी किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर उसका प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी की पर एकड़ कितना प्रोडक्शन कराया गया हुआ है और हो सके तो फार्मर विजिट कर सकते हैं तो किसान भाई आप यहाँ आके भी विजिट कर सकते हैं यहाँ आप सर का संपर्क कर सकते हैं देख सकते हैं और सर बता रहे हैं कि इनको जो है उत्पादन आने की भी बहुत ज्यादा संभावना है आपको डबल उत्पादन का अंदाजा आपको लग रहा है तो दोस्तों अनिल जी पाटीदार ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि लहसुन की खेती मल्च पर करने से किसान भाइयों को काफी फायदा होता है दोस्तों मल्च संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी के नंबर उपलब्ध करवा दूंगा आप वहां से मल्च वगैरह खरीद सकते हैं सर के खेत पर आकर पूरा ही खेत देख सकते हैं उत्पादन देख सकते हैं इसके लिए मैं सर के नंबर भी उपलब्ध करवा दूंगा और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जय किसान